तो हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और सुरक्षित होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। देखो भैया, प्रॉफिट एंड लॉस एक ऐसा टॉपिक है जो आपके हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारत को आप ऐसा भी एग्जाम हो, छोटे से बड़े एग्जाम में प्रॉफिट और लॉस के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस को आज हम इस तरीके से बताने जा रहे हैं, ये एकदम बेसिक से आपको छोटी से लेकर, मतलब कि आपको छोटे लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाएंगे। और आज हम जो क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, अगर वो क्वेश्चन ट्रिक से सॉल्व हो रहे हैं तो हम ट्रिक से सॉल्व करवाएंगे, लेकिन ज्यादातर हम क्वेश्चन फार्मूले से सॉल्व करवाएंगे, क्योंकि जो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं उसमें ट्रिक काम ही नहीं करती, उसमें काम करता है तो वह है फार्मूला। ठीक है, तो हम आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के बताएंगे जिसमें आपको कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगी। आपने जो क्लास एट में फार्मूले पढ़े हैं, हम उसी फार्मूले से आपको इजी वे में सॉल्व करवाएंगे और आपको जो फार्मूला लिखाएंगे उसको आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है। हम आपको जिस तरह से फार्मूला लिखाएंगे, आप सिर्फ उसको देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक। देखिए, लाभ और हानि हमें कब होता है? जब भी हम किसी चीज की, किसी सामान की खरीदारी करते हैं या किसी चीज को बेचते हैं, उसी में हमें लाभ होता है और हानि होता है। तो प्रॉफिट और लॉस को पढ़ने के लिए हमें तीन टर्म, अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो हमें तीन टर्म को जानना बहुत ही जरूरी है। वह कौन कौन से है, देखिए। सबसे पहला है कॉस्ट प्राइस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं क्रय मूल्य। इसको शॉर्टकट में लिखते हैं सीपी। और दूसरा क्या है, सेलिंग प्राइस, इसको हम क्या कहते हैं हिंदी में, विक्रय मूल्य। और तीसरा क्या है हमारे पास, मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस इसको क्या कहते हैं, अंकित मूल्य। इसको शॉर्टकट में हम लिखते हैं एमपी और इसको लिखते हैं एसपी। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस को आपको पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा आपको इन चीजों, तीनों चीजों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पूरे चैप्टर में यही तीन चीज आपके बेस हैं। आप जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे प्रॉफिट और लॉस में, आपको उसमें कास्ट प्राइस, हर क्वेश्चन में आपको कास्ट प्राइस देखने को मिलेगा, सेलिंग प्राइस देखने को मिलेगा और मार्केट प्राइस भी देखने को मिलेगा। ठीक, देखिए हिंदी में आप इसको अच्छे से जान लीजिएगा, कास्ट प्राइस को आप कहते हैं क्रय मूल्य और सेलिंग प्राइस को आप कहते हैं विक्रय मूल्य और तीसरा मार्केट प्राइस को आप कहते हैं अंकित मूल्य। अब देखिए, जब आपके क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन ऐसे दिया रहेगा और उसमें अगर लाभ और हानि यानी कि प्रॉफिट और लॉस के बारे में पूछता है, तो आप क्या क्या, कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को देखेंगे। क्या क्या, जब आपको प्रॉफिट और लॉस के बारे में आपको पूछता है तो आप कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस देखेंगे, और अगर आपको सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस के बीच में पूछता है तो आप हमेशा क्या लेंगे, डिस्काउंट लेंगे। फिर से समझिए, देखिए अगर आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट और लाभ पूछता है तो आप कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को लेंगे, और अगर आपको डिस्काउंट पूछता है तो आप सेलिंग प्राइस लेंगे और मार्केट प्राइस लेंगे। ठीक, चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, मान लीजिए हमने एक टी शर्ट ली है, एक टी शर्ट है, इसको हमने 200 रुपए में खरीदा, हमने कहीं से भी खरीदा, इसका मूल्य हमें पता है कि हमने इसको 200 रुपए में खरीदा, लेकिन क्या आपको पता है कि इसका मूल्य कितना है? इसका मूल्य हमें पता है ना, 200 रुपए, लेकिन अगर हमें इसको बेचना है, अगर हमें आपको इसको बेचना है तो आप अगर मुझसे खरीदेंगे तो आप कहेंगे कि इस पर कोई डिस्काउंट है? अगर कोई डिस्काउंट है तो बताओ, हम ले लेंगे इसको। अब देखिए, यह जो डिस्काउंट है ना, इसका क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है ही, जो डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट है इसके क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन हमारे लाइफ में भी इसका बहुत ही बड़ा रोल है। वो कैसे, देखिए भैया, पहले होता था किसी बड़े त्योहारों पर ही हमें डिस्काउंट देखने को मिलते थे, जैसे कि दीपावली रहती थी या होली रहती थी, तो उसमें बड़े पोस्टर, बड़े बड़े मॉल में पोस्टर टांग देते थे कि दिवाली धमाका 40% की छूट, इतने इतने वैसे हमें डिस्काउंट मिलते थे। लेकिन पहले के मुकाबले अगर आज आप देखेंगे ना, तो साल भर डिस्काउंट रहता है। देखिए, डिस्काउंट के पीछे जो साल भर डिस्काउंट रहता था, पहले तो था बड़े त्योहारों पर ही किसी डिस्काउंट मिलता था, लेकिन अब साल भर डिस्काउंट रहता था, तो इस डिस्काउंट के पीछे रीजन क्या है, क्यों हमें साल भर डिस्काउंट देखने को मिलते हैं? देखिए, रीजन कुछ नहीं है, रीजन है हम भारतीय। हम भारतीयों की ऐसी आदत हो गई है ना कि हम डिस्काउंट का हमें चस्का लग गया है, और अगर हमें किसी चीज पर डिस्काउंट नहीं मिलता है तो हम सोचते हैं कि हम घाटे में जा रहे हैं,
और इसी डिस्काउंट के चक्कर में आप अपने मार्केट में देखें कि कई दुकानें की बिक्री तक बंद हो गई है। अगर आप अपने ही मार्केट में चले जाएंगे, अगर एक मेडिकल की बड़ी दुकान है और एक मेडिकल की छोटी दुकान है, आप देखेंगे कि बड़ी दुकान के मुकाबले छोटी दुकान बहुत ही कम चल रही होती है। वो कैसे देखिए, जो बड़ी दुकानें होती है ना, अगर आप उस पे दवाइयां लेने जाएंगे तो वह उतने परसेंट की आपको छूट पे देता है, जबकि छोटी दुकानें जो होती हैं जितना लिखेंगे उतने की ही देंगे। यही कारण है कि छोटी दुकानें कम चलती हैं, बड़ी दुकानों पर डिस्काउंट मिलता है, इसीलिए हम बड़ी दुकानों पर जाते हैं। तो देखिए, साल में डिस्काउंट इसलिए रहता है क्योंकि देखो, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, जहां से हमारे कपड़े आते हैं, दवाइयां आती हैं, जो भी सामान होते हैं वो बड़ी बड़ी कंपनियों से जहां से आती हैं, उन्होंने अपना दिमाग लगाया, उन्होंने सोचा कि अगर हमें भारत में कपड़ा बेचना है तो हमें डिस्काउंट देना ही पड़ेगा। और हमें सिर्फ मतलब क्या है डिस्काउंट से, हमें यह मतलब नहीं है कि वह कितने रुपए का है, हमें यह मतलब रहता है कि उस चीज पे हमें डिस्काउंट कितना मिल रहा है। चलिए एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, मान लीजिए कि कोई हमने कोई सामान खरीदा 2000 रुपए का है और अगर हमें आपको बेचना है तो हम आपको 2200 रुपए में बेचेंगे। लेकिन देखिए, आपको तो पता नहीं हमने इसको कितने में खरीदा, हम आपको अगर बेच रहे हैं तो हम आपको 2200 रुपए में बेच रहे हैं, तो आप कहेंगे कि हम आपके डेली कस्टमर है, हम आपके दुकान पर इतने सारे ग्राहक भेजते हैं, तो आप हमें कुछ डिस्काउंट दो। तो हम आपको क्या कहेंगे, हम आपको कहेंगे कि चलिए ठीक है, आप इसको 2100 रुपए में ले जाइए। फिर भी आप हमसे लड़ झगड़ कर आप 2150 रुपए में लेकर चले जाते हैं। ठीक, अब देखो, अगर इसी जगह पे लड़कियां या महिलाएं आ जाएंगी तो इसी चीज को आप 2000 रुपए में लेकर चली जाएंगी, क्योंकि लड़कियां इतनी खतरनाक होती हैं भैया ना, कि वो पहले सामान खरीदती हैं, सामान के बाद पहले उठा लेती हैं, फिर पैसा पकड़ाती हैं। तो देखो, 2000 में हमने खरीदा और 2000 में बेच दिया, हमें कुछ फायदा मिला नहीं मिला ना, हमने तो 2000 खरीदा, 2000 रुपए का बेच दिया, हमें इसमें कुछ फायदा मिला ही नहीं, हमें दुकान खोलने का क्या मतलब रह गया। तो हमने एक दिमाग लगाया, देखिए हमने क्या दिमाग लगाया, देखिए जो 2000 की चीज थी हमने उसे लिख दिया, कर दिए 2600 में। अब देखिए, हमने इसे 2600 रुपए में कर दिया। अब देखो, अगर हमें आपको अब बेचनी है तो आप अगर हमारी दुकान पे आएंगे, हमने खरीदी है 2000 में, लेकिन हम उसको आपको बेच रहे हैं 2600 में, क्योंकि आपको पता नहीं हमने उसको कितने में खरीदा है, हम आपको बेच रहे हैं 2600 में और आप खरीदने आए तो दे देंगे 2400 रुपए में डिस्काउंट करके। तो आप बहुत खुश हो जाएंगे कि भैया सीधे 200 रुपए की छूट। अब आप बहुत ज्यादा खुशी हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर आपको डिस्काउंट मिल गया। फिर भी आप कहेंगे कि हम आपके डेली ग्राहक हैं और थोड़ा कम कर दीजिए। फिर हमें क्या है भैया, हम तो आपको और कम कर देंगे, हम आपको 2300 रुपए कर देंगे। फिर आप खुशी खुशी चले जाएंगे और आप रोज हमारी दुकान पर आएंगे, आप कहेंगे उनकी दुकान पर इतना डिस्काउंट रहता है, आप सोचेंगे कि हमें इतना डिस्काउंट मिल गया। अब देखिए, आपको यह चीज मतलब नहीं है कि यह चीज 2000 रुपए में है, आपको क्या मतलब है कि कम कितना हुआ। ठीक, समझ रहे हो बात को ना। देखिए, यहाँ 2000 रुपए की थी, हमने इसे कितना लिखा, 2600 रुपए में बेच रहा हूँ, हमने आपको डिस्काउंट करके 2300 रुपए में दे दिया और आप खुशी खुशी चले जाएंगे और आप सोचेंगे कि हमें इतना डिस्काउंट मिल गया और हम अब इसी दुकान पर रोज जाएंगे। अब आपको 2000 रुपए से मतलब नहीं है, आपको मतलब है कि कम कितना हुआ, यानी कि हमें डिस्काउंट कितना मिला, आपको इससे मतलब है। तो हमें इस चीज से फर्क ही नहीं पड़ा कि यह चीज कितने की थी, हमें सिर्फ इतना पता है कि हमें डिस्काउंट कितना मिला। ठीक, तो यही से डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट आया, क्योंकि देखो जो भारतीय थे वह डिस्काउंट पर निर्भर थे, तो कंपनियों ने बड़ी बड़ी दिमाग लगाया, उन्होंने डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट चलाया। ठीक, अब देखो, हमने जो 200 रुपए का टी शर्ट खरीदा था, हमारे पास एक बैच है, देखिए यहाँ पे एक बैच लटका होता है ना सभी टी शर्ट में, हमने इस पर लिख दिए 300 रुपए। ठीक, अब जो हम 300 रुपए लिखे हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, मार्क्ड प्राइस, भैया अंकित मूल्य इसी को कहते हैं, जो बैच पर यानी कि जो टैग होता है कपड़ों में छपा होता है, जो भी हो यानी कि प्रिंटेड प्राइस जो होता है, हम उसी को क्या कहते हैं, मार्क्ड प्राइस। ठीक, यानी कि किसी भी चीज के ऊपर जो मूल्य छपा होता है उसी को हम क्या कहते हैं, मार्क्ड प्राइस। ठीक, अब हमने 200 रुपए में टी शर्ट खरीदा था, अब आपको क्या पता नहीं है कहा हमने 200 रुपए में खरीदा था, हमने लिखा 300 रुपए में, और अब आप हमारे पास खरीदने आएंगे तो हम आपको डिस्काउंट करके 250 रुपए में इसको बेच देंगे। ठीक, और अब आप खुशी खुशी चले जाएंगे कि 300 रुपए का टी शर्ट हमने 250 रुपए में पा लिया, तो ठीक है। और अगर आप कम करवाएंगे, कहेंगे कि और थोड़ा कम कर दीजिए, हम कर देंगे 240, तब भी हमें 40 रुपए का तो फायदा हुआ। तो यहां से आया डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट। ठीक, अब देखो,
अब देखो हमने खरीदा था कितने में, 200 रुपए में, लिखा कितना बिल था 300 रुपए, और बेचा कितने में, 240 रुपए में। हमने खरीदा 200 रुपए में, लिखा 300 रुपए और बेचा 240 में। टी शर्ट को खरीदा हमने 200 रुपए में, अंकित मूल्य हमने उस पर टैग पे लिखा 300 रुपए और बेचा 240 रुपए में। अब हम आपसे पूछेंगे कि हमें लाभ कितना हुआ। अब देखो ध्यान से देखना, आपको एक एक चीज अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि हम आपको इतने अच्छे से एग्जांपल बता रहे हैं ना कि आपको कोई भी चीज समझ में ना आए या हो ही नहीं सकता। देखिए अब हमने आपको यहाँ पे क्या बताया था, लाभ और हानि हम किसके किसके बीच देखते हैं, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य के बीच और सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य के बीच। तो अब हम आपसे पूछेंगे कि हमें यहाँ पे कितना लाभ हुआ इस चीज में, तो आप क्या के देखेंगे, सबसे पहले आप कास्ट प्राइस देखेंगे और सेलिंग प्राइस देखेंगे। कास्ट प्राइस हमने कितने में खरीदा था, 200 रुपए में खरीदा था, और बेचा कितने में था, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस इसको कहते हैं जिस सामान को हम जितने पे बेचते हैं, तो हमने किसने बेचा, 240 में। अब देखो कहां पे लिखे हैं, इसको हम मिटा दे रहे हैं, कितना हम मिटा दे रहे हैं कि, अब देखो इतना हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, आप इसको लिखिएगा मत, बस आप समझ लीजिए अच्छे से कॉन्सेप्ट, आप इसका समझ लीजिए ठीक। अब देखिए हमें कितना प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ हमें, देखो भैया खरीद 200 रुपए में है, बेच 240 रुपए में है, यानी कि जो कास्ट प्राइस है वो 200 रुपए है, और जो सेलिंग प्राइस है, यानी कि कास्ट प्राइस वह होती है जिस चीज जितने जो चीज हम खरीदते हैं उसे हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं, और जो चीज हम खरीद कर बेचते हैं उसे हम सेलिंग प्राइस कहते हैं ठीक। तो देखिए हमें कितना प्रॉफिट हुआ, 200 रुपए की चीज खरीद रहे हैं, 240 में बेच रहे हैं, तो हमें कितना प्रॉफिट होगा, देखिए तो इसके लिए सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कर देंगे, यानी कि 240 माइनस सीपी कितना है, 200, तो हमें कितना, 40 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो हमारे पास यहां से क्या फार्मूला आया, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। आपको इतना चीज समझ में आया कि नहीं, देखो भैया हमने आपको इसको चीज पहले में बता दिया था कि जब लाभ और हानि आपसे पूछे तब आप कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को देखेंगे, जो कि हमने यहाँ पर वही चीज देखा ठीक। अब देखो आपसे अगर डिस्काउंट पूछता है तो आप सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस के बीच देखेंगे ठीक है। अब देखो हमने यहाँ पे 200 रुपए खरीदा था, 240 में बेच दिया, लेकिन लेकिन देखो भैया अगर हम यहाँ पे 240 रुपए में ना ही 180 रुपए में बेच देंगे तब हमें प्रॉफिट होगा कि हानि होगा, लाभ होगा कि हानि होगा, आप बताइए। 200 रुपए के आप टी शर्ट खरीद रहे हैं, 180 में बेच रहे हैं, तो आपको लाभ होगा या हानि होगा, आप बताइए, हानि होगा ना। तो अब देखिए लॉस, लॉस लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी, क्योंकि प्रॉफिट को भी हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच देखेंगे और लॉस को भी हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में ही देखेंगे। अब देखिए यहां पे फार्मूला होता है सीपी माइनस एसपी, 200 माइनस 180, यानी कि हमें 20 रुपए का घाटा हो रहा है। हमने जब चीज 200 रुपए में खरीदी, 240 में बेची, तो हमें 40 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन हमने अगर 200 रुपए में खरीदी 180 में बेच दी तो हमें कितने का घाटा हो रहा है, 20 रुपए का घाटा हो रहा है। तो आप यहां से फार्मूला देखिए हमारे पास क्या फार्मूला है, प्रॉफिट इज इक्वल टू, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। इतना आप फार्मूला लिख लो ठीक। देखिए आप इस फार्मूले को रटिए मत, हम आपको इसको एकदम अच्छे से अच्छी भाषा में आपको इतनी अच्छे से समझा देंगे ना कि आप इस फार्मूले के कभी भूलेंगे नहीं। देखिए जैसे कि यह मार्कर है, हमने इसको 20 रुपए में खरीदा है और 30 रुपए में बेच दिए, यानी कि इसकी कास्ट प्राइस जो है वह 20 रुपए है और जो सेलिंग प्राइस है वह कितनी है, 30 रुपए। कास्ट प्राइस 20 रुपए और सेलिंग प्राइस 30 रुपए, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस ज्यादा है कि कास्ट प्राइस ज्यादा है, आप बताइए। सेलिंग प्राइस ज्यादा है ना, तो जो ज्यादा है उसी में तो घटाया जाएगा। देखिए यहाँ पे सेलिंग प्राइस जो है वह ज्यादा है कास्ट प्राइस से, और जो ज्यादा होता है उसी में से घटाया जाता है, इसको आप जानते होंगे, सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस।
हमने 20 रुपए का खरीदा था, 30 रुपए में बेच रहा था, तो हमें क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है ना। तो लाभ लाभ बराबर एसपी माइनस सीपी। आपको आया समझ में कॉन्सेप्ट? देखो भैया, हम यहाँ मार्कर है, हमने 20 रुपए खरीदा, 30 रुपए में बेचा, हमें 10 रुपए का लाभ हो रहा है, तो हमें समझ लो लाभ हमने इतना लिख लिया। अब देखो हमें सेलिंग प्राइस यानी कि इसका मूल्य ज्यादा है ना, तो हम सेलिंग प्राइस जो ज्यादा होता है उसी में से घटाया जाता है, जो ज्यादा है उसी में से हमने घटा दिया। ठीक, अब देखो लॉस पर आते हैं। अब देखो हमने इसको 20 रुपए में खरीदा और हमने इसको 15 रुपए में बेच दिया, इसको तो छोटा सा बच्चा भी बता लेगा कि हमें यहाँ पे घाटा हो रहा है, हम कोई भी चीज 20 रुपए में खरीद रहे हैं, 15 रुपए में बेच रहे हैं, हमें वहां पे घाटा हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या बढ़ी है, कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ऐसे करेंगे कॉस्ट प्राइस, और यहाँ पे क्या करेंगे, जो बड़ा होता है उसमें से घटाया जाता है, सीपी बड़ा है ना, तो उसमें से हम घटा देंगे। हमें लॉस हो रहा है, लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य। आप इतना समझ गए, इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं? बहुत इजी है, आपको सब कुछ समझ में आएगा धीरे धीरे। आपको एक एक क्वेश्चन इतने अच्छे से समझाऊंगा ना कि आपको कहीं भी डाउट ना, फार्मूले में आपको डाउट होगी, इसको अब आपको रटने की जरूरत है, नहीं रटने की जरूरत है, क्योंकि यह फार्मूला जो आया है, आप जो डेली लाइफ में जो कर रहे हैं वहीं से फार्मूला आया है और कहीं से आया नहीं है, तो आपको इसको रटने की जरूरत ही नहीं है। बस आपको सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस याद करनी है, सेल मतलब बेचना, कॉस्ट मतलब खरीदना, जिसपे आप खरीद रहे हैं, बस इतना समझ लो आप। इतना आप अगर आप समझ गए तो आपको फार्मूले में दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक, अब इन दोनों फार्मूलों को लिख लीजिए। अब इतना आपको समझ में आ गया ना? ठीक है, अब देखो आगे, हमने जितना पढ़ा हमारे पास क्या आया, प्रॉफिट का फार्मूला हमारे पास क्या आया, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और जो लॉस का फार्मूला हमारे पास आया वो हमारे पास आया कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक, इसका कॉन्सेप्ट तो आपको बड़ी समझ में आ गया ना। देखो भैया सिंपल सी बात है, अगर आप कोई चीज खरीद रहे हैं, अगर आप 10 रुपए की चीज खरीद रहे हैं, अगर आप उसको 20 रुपए में बेच रहे हैं तभी आपको लाभ होगा, और अगर आप 10 रुपए की चीज खरीद रहे हैं और उसे 5 रुपए में बेच रहे हैं तो आपको हानि होगा। हमने इसको आपको एग्जांपल के तौर पर पीछे समझा दिया है। तो चलिए जानते हैं प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज क्या होता है। देखिए चलते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट हमें कहां से आया, क्यों इसका कॉन्सेप्ट हमें लिया गया। देखो भैया हम आपको कोई बहाना करके बताने वाले नहीं है, हम आपको इस तरह से बताएंगे कि यह कहां से आया, कहां से इसकी ऑरिजिन हुई एक्चुअल, तभी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में, एक एक चीज सॉल्व करने में मजा आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए देखो प्रॉफिट और लॉस के परसेंटेज में आपको एक चीज बहुत ही ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, वो कौन सी चीज, देखिए जो प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज है वह हमेशा कॉस्ट प्राइस के सापेक्ष में लिया जाता है, सापेक्ष में लिया जाता है। वो कैसे, आपको आगे समझ में आ जाएगा। जैसे हमने आपको पिछली तरह बताया था कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग जब लाभ और हानि होता है तब आपको उसका भी कॉन्सेप्ट आपको आगे समझ में बढ़िया से आया था, इसका भी प्रॉफिट और लॉस का जो परसेंटेज है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस के सापेक्ष में ही लिया जाता है। इसको आप बढ़िया से, इसको आप अपने दिमाग में बसा लीजिएगा। और ये कहां से आया, क्यों हम कह रहे हैं, इसको हम आपको आगे एग्जांपल देकर समझाते हैं क्यों हम कह रहे हैं, क्योंकि हम कोई चीज वैसे हवाई नहीं कहते हैं। ठीक, अब देखिए चलिए हम आपको इसको एग्जांपल समझाते हैं कि क्यों कास्ट प्राइस के सापेक्ष में इसको लिया जाता है। देखिए एग्जांपल, बहुत ही इजी एग्जांपल लेंगे जिससे आपको भी अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए एक लड़का है, राम है, उसकी जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन वह है 10 रुपए, यानी कि वह 10 रुपए में एक पेन खरीदता है, और जो उसकी सेलिंग प्राइस है पेन की 20 रुपए, यानी कि राम एक लड़का है, वह 10 रुपए में एक पेन खरीदता है और 20 रुपए में वह बेच देता है, तो उसे कितना प्रॉफिट हुआ आप बताइए, उसे कितना प्रॉफिट हुआ बताइए आप। देखो भैया अगर वह 10 रुपए की खरीदता है 20 रुपए में बेचता है, तो हमने आपको क्या बताया था, सेलिंग प्राइस माइनस
कास्ट प्राइस यानी कि 20 माइनस 10, उससे 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। अब देखिए और एक लड़का श्याम है, उसने उसकी जो कॉस्ट प्राइस बुक की वह है 40 रुपए और जो सेलिंग प्राइस है बुक की वह है 50 रुपए। यानी कि एक लड़का श्याम है, उसकी कॉस्ट प्राइस बुक की है 40 रुपए, मतलब कि 40 रुपए की खरीदता है, 50 रुपए की वह बेच देता है। ठीक, अब देखो उसे कितना प्रॉफिट हुआ, उसे भी 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ, हुआ कि नहीं? देखो 40 रुपए में खरीदा, 50 रुपए में बेच दिया, तो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, इसको भी 10 रुपए का लाभ हो रहा है, इसको भी 10 रुपए का लाभ हो रहा है, दोनों को कितना 10 रुपए का ही लाभ हो रहा है। लेकिन अगर आप एक्चुअल में देखेंगे तो इन दोनों में से या तो राम या श्याम बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं। देखो भैया हम यहाँ से देख रहे हैं दोनों लोगों का 10 रुपए प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन अगर आप वास्तविकता में देखेंगे, इसका अच्छे से फार्मूला निकाल के देखेंगे, तीन में से कोई एक बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है। यहाँ से आप देखेंगे कि 10 रुपए ये भी कमा रहा है, 10 रुपए ये भी, लेकिन 10 रुपए दोनों की प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना। अब आप कहेंगे कि यह कैसे संभव हो सकता है, ये भी 10 रुपए का जब लाभ कमा रहा है, ये भी 10 रुपए का लाभ कमा रहा है, तो इसमें से कौन ज्यादा लाभ कमाएगा? तो देखिए भैया यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस होता है ना, कॉस्ट प्राइस होता है ना, इसमें यही बहुत ही बड़ा इसका रोल होता है। इसीलिए हमने आपको बताया था प्रॉफिट और लॉस जो होता है वह हमेशा कॉस्ट प्राइस के सापेक्ष में लिया जाता है, क्योंकि इसीलिए हमने आपको यही एग्जांपल दिया, क्योंकि इसमें भी 10 रुपए का लाभ हो रहा है और इसमें भी 10 रुपए का लाभ हो रहा है। लेकिन अगर आप एक्चुअल फार्मूले से देखेंगे तो आप इसमें से देखेंगे कि कोई एक बहुत ही ज्यादा लाभ कमा रहा है। तो इसमें क्या सबसे बड़ा रोल होता है? कॉस्ट प्राइस का। क्या होता है? कॉस्ट प्राइस का। इसीलिए हम परसेंटेज में कॉस्ट ऑफ प्राइस का सापेक्ष में लेते हैं। ठीक, और भैया ध्यान से देखना, और किसी चीज के लिए नहीं, सिर्फ इसी चीज के लिए हमें प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज बनाया गया है। किस चीज के लिए? सिर्फ इसी चीज के लिए कि अगर कोई चीज 10 रुपए में खरीदता है भैया, उसकी कॉस्ट प्राइस 10 रुपए में है, और वो चाहे 10 रुपए में 20 रुपए में बेचता है, इसका इतना भी प्रॉफिट हो रहा है, इसका इतना भी प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन एक्चुअल में अगर आप सामान बेचेंगे ना, यही दोनों सामान अगर आप बेचेंगे ना, तो इसमें एक चीज में अगर आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है, तो इसी चीज के लिए देखने के लिए किस चीज में प्रॉफिट हो रहा है, किस चीज का, इसीलिए प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज का कॉन्सेप्ट निकाला गया है। वो कैसे, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए तो चलिए हम निकालते हैं राम और श्याम का प्रॉफिट परसेंटेज। देखो इसको कितना परसेंटेज में फायदा हुआ है। देखिए कहाँ निकालें, यहाँ पे निकाल दे रहे हैं, ठीक है, जगह नहीं है। देखिए प्रॉफिट परसेंट, देखिए हम पहले राम का निकालेंगे, ठीक है, किसका निकालेंगे पहले? राम का। इसका हमें क्या फार्मूला बनता है प्रॉफिट परसेंट का, ध्यान से देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा, परेशान फार्मूला आपको लगेगा कि नहीं, आप फार्मूला है। देखिए हम राम का क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज। तो देखिए हम आपको क्या बताए थे, प्रॉफिट और लॉस किसके सापेक्ष में निकाला जाता है, कॉस्ट प्राइस के ना। अब देखिए हम यहाँ पे क्या निकालना है, प्रॉफिट। तो देखिए प्रॉफिट किसके सापेक्ष में निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस के ना, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस से दिक्कत बना है और कुछ दिक्कत नहीं बना है, क्योंकि यहाँ पे 10 रुपए ये भी फायदा, 10 रुपए ये भी फायदा, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि इसमें कोई एक है जो बहुत ज्यादा फायदा कमा रहा है, तो हम इसको प्रॉफिट परसेंटेज से यहाँ से ही निकालेंगे। तो किसके सापेक्ष में, कॉस्ट प्राइस की। चलो इसको सीपी लिख दे रहे हैं शॉर्ट में, देखिए सीपी है, इतना समझ लेना। अब देखिए क्या पूछा है, परसेंटेज में, तो इनटू 100 कर देंगे, बस यही इसका फार्मूला है। प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला क्या है हमारे पास, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, इसको समझ लेना, हम बता रहे हैं क्या लिखे हैं, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी यानी कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ठीक, इतना समझ में आ गया। हम आपको एक फार्मूला बताए नहीं, हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया है। देखो भैया हमने आपको प्रॉफिट परसेंटेज क्या बताया, प्रॉफिट अपॉन किसके सापेक्ष में, कॉस्ट प्राइस, क्या पूछा, परसेंट में, इनटू 100, बस। अब देखो प्रॉफिट इसको कितना हो रहा है, 10 रुपए का, इसका सीपी कितना है, कॉस्ट प्राइस कितना है, 10 रुपए ना, गुड़े 100, इसको भैया 100% का लाभ हो रहा है, कितना, 100% का इसका हो रहा है, 100% का लाभ।
अब देखो राम को हो रहा है 100% का लाभ, हम श्याम का निकालेंगे, श्याम का निकालेंगे, देखो हम श्याम का निकालेंगे, क्या निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंट। तो हमने आप क्या फार्मूला बताया था, प्रॉफिट अपान किसके सापेक्ष में, कॉस्ट प्राइस के। हमेशा इसको बात ध्यान रखने रहना, जो प्रॉफिट परसेंटेज है या लॉस परसेंटेज, हम उसको किसके सापेक्ष में, कॉस्ट प्राइस के सापेक्ष में निकालते हैं। इतना बात हमेशा अपने दिमाग में इसको बैठा लेना हमेशा इसको आप, क्योंकि यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखो यह इतना ही सॉल्व हो जाता, लेकिन हमने आपको क्या बता दिया कि इसमें किसी को ज्यादा लाभ हो रहा है, तो भैया यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हुआ सब कुछ दिक्कत ये किया है, इसीलिए हम कॉस्ट प्राइस के सापेक्ष में इसको ले रहे हैं, ठीक है। प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। अब देखो इसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, इसको भी 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन इसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 40 रुपए इंटू 100। अब देखो 0 0 चार, 4 2 8, 4 5 20, 25% चौंक गए ना, इसको भैया पूरा 100% का लाभ हो रहा है और इसको 25% लाभ हो रहा है, इतना अंतर है। और देखो वैसे अगर आप देख रहे थे तो इसको भी 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, इसको भी 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या अंतर था, कॉस्ट प्राइस सबसे ज्यादा यहाँ पे क्या दिक्कत थी, कॉस्ट प्राइस की हमें। तो हमने इसी चीज को हम निकालने के लिए हमें क्या फार्मूला बताया गया है, प्रॉफिट और लॉस का परसेंटेज, ठीक है। तो यहां से हमें प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज का हमें फार्मूला समझ में आ गया कि नहीं। देखो हमारे पास प्रॉफिट परसेंट का क्या फार्मूला आया, देखो प्रॉफिट पूछ रहा है ना, तो उसको कितना प्रॉफिट हुआ था, किसके सापेक्ष में, हम हमेशा कॉस्ट प्राइस की निकालते हैं, इनटू किसमें पूछा हमें, परसेंटेज में, इसीलिए हम 100 से गुणा कर देंगे, ठीक। इस चीज को आप अपने दिमाग में बढ़िया से बैठा लेना, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज अगर आपसे पूछता है तो प्रॉफिट अपान इसके सापेक्ष में, हमने आपको बार बार बताया कॉस्ट प्राइस के, और अगर आपको लॉस परसेंटेज के पूछता है तो आप कुछ नहीं करेंगे, लॉस अपान सीपी इंटू 100, क्योंकि हमने आपको यह नहीं बताया था कि लॉस आप एसपी निकालेंगे, हमने आपको दोनों बताया था, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, चाहे लाभ हो या हानि हो, हमेशा उसको किसके सापेक्ष में निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य के ही सापेक्ष में निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला ये है और लॉस परसेंटेज का फार्मूला हमारे पास ये है, ठीक। इतना समझ में आया आपको, कहां से आया ये, ठीक है। अब देखो हम यहां से इसको, इतना हमारे पास इसका फार्मूला है और इसका हमारे पास इतना फार्मूला है। अब देखो यहां से हम इसको क्या लिख सकते हैं, प्रॉफिट इज इक्वल टू, हमारे पास ये लिखा है ना, एसपी माइनस सीपी लिखा है कि नहीं। अब देखो हम इसको लिखेंगे प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू, प्रॉफिट को हम लिख सकते हैं सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपान, लिख सकते हैं कि नहीं, प्रॉफिट को प्रॉफिट इज इक्वल टू लिख सकते हैं ना। अब देखिए सीपी इंटू 100, अब देखो इक्वल में हम जानते हैं क्या होता है, इक्वल में भैया क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक। इतना आप तो जानते ही होंगे, इक्वल में हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो सीपी कॉस्ट प्राइस इनटू प्रॉफिट परसेंटेज, ये क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज है, इतना ध्यान रखे रहना, ठीक है। इक्वल टू ये हो जाएगा 100 इंटू सेलिंग प्राइस माइनस 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। अब देखो इसको, इस चीज को हम इधर लेकर आते हैं, देखो हो जाएगा कॉस्ट प्राइस इनटू प्रॉफिट परसेंटेज, इधर आ जाएगा प्लस में हो जाएगा, प्लस 100 गुणे कॉस्ट प्राइस बराबर 100 गुणे एसपी, 100 गुणे सेलिंग प्राइस। अब देखो भैया यहां से सेलिंग प्राइस हम कॉमन ले सकते हैं ना, सेलिंग प्राइस कॉमन ले लेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज प्लस 100 इज इक्वल टू 100 इंटू सेलिंग प्राइस। अब देखो और आगे देखिए, क्या हम इसको 100 को नीचे ले आ सकते हैं, ले आ सकते हैं ना, तो देखिए हम यहां से इसको काट के अपान 100, ठीक।
तो हमारे पास यहां से क्या फार्मूला है, सेलिंग प्राइस का फार्मूला हमारे पास आया कितना आया, ठीक, सेलिंग प्राइस का यह फार्मूला है। अब देखो हमारे पास सेलिंग प्राइस का एक फार्मूला यह भी आ गया, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस ब्रेकर में प्रॉफिट परसेंटेज प्लस 100/100। अब देखो यहां से कितना कॉन्सेप्ट हम आगे लिखते हैं, देखिए सीपी कॉस्ट प्राइस इंटू प्रॉफिट परसेंटेज प्लस 100 गुणे कॉस्ट प्राइस इंटू 100 इंटू यस सेलिंग प्राइस इंटू 100 इंटू सेलिंग प्राइस। अब देखो यहां से देखो सीपी हम कॉमन ले लेंगे, सीपी प्रॉफिट परसेंटेज प्लस 100 इज इक्वल टू 100 इंटू सेलिंग प्राइस। अब देखो भैया यहां से सेलिंग प्राइस बराबर कितना हो जाएगा, 100 गुणे और यहां से प्रॉफिट परसेंटेज प्लस 100, ठीक। हमारे पास सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट कब आया है, ये भी प्रॉफिट का आया है, ठीक। देखो सेलिंग प्राइस में आया हमारे पास इतना फार्मूला, कॉस्ट प्राइस ब्रेकअप में प्रॉफिट परसेंट प्लस 100/100 और कॉस्ट प्राइस में हमारे पास आया 100 इंटू एसपी अपॉन प्रॉफिट परसेंट प्लस 100, ठीक। इसमें समझ में आ गया, चलिए हम आपको इसको मिटा के लिख देते हैं। देखो जो फार्मूला था इस फार्मूले के हमने यही से ले आया, ठीक, इसी को डेराइव करके हमने इस फार्मूले को ले आया हूँ। कहीं आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है नहीं, है ना। देखो इस फार्मूले को तो हमने आपको कॉन्सेप्ट से ही बता दिया था, सिर्फ हमने इसी चीज को डेराइव करके इस फार्मूले के ले आया हूँ। और अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे तो हम आपको इसके क्वेश्चन सॉल्व करवा देंगे इस टाइप के कि आपको यह फार्मूला एकदम रट उठेगा, ठीक। चलिए देखते हैं आगे, ये जो फार्मूला आया है ना ये प्रॉफिट में आया है, ये भी प्रॉफिट में आया है। अगर लॉस में आएगा ना तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा। चलिए आपको लिख देते हैं, देखिए इसको हम मिटा देते हैं। देखिए जो सेलिंग प्राइस, ये है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस जो प्रॉफिट में होता है उसका फार्मूला हमारे पास क्या है, कॉस्ट प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100, यही तो है ना, ठीक। अब देखिए सेलिंग प्राइस अगर लॉस में अगर आपसे पूछता है तो आपको कुछ नहीं करना है, यही उतार लेना है 100, सिर्फ प्लस की जगह हमें माइनस लगा देना है, ठीक, बस अब आपको कुछ नहीं और करना है। और यहाँ पे गलती हो गई, देखिए अगर लॉस में पूछा है तो हम यहाँ पे लॉस लिख देंगे, ठीक। अब देखो हमने यहाँ पे का फार्मूला निकाला, सेलिंग प्राइस यहाँ पे प्रॉफिट का इतना फार्मूला होता है और लॉस का इतना फार्मूला होता है। अब देखिए हमने यहाँ पे सेलिंग प्राइस का निकाला था, अब हम आपको कॉस्ट प्राइस का बताते हैं। कॉस्ट प्राइस का हमने यहाँ पे निकाला था, देखिए 100 इंटू एसपी अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इतना हो गया, इसको हम निकाल दे रहे हैं। इतना आया था ना, ये क्या है प्रॉफिट में है, ये क्या है प्रॉफिट में है प्रॉफिट। अब देखिए कॉस्ट प्राइस अगर हम लॉस में निकालेंगे तो हमारे पास क्या फार्मूला बनेगा, 100 इंटू सेलिंग प्राइस अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट, बस आपको कुछ करना ही नहीं है। आप कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट का याद कर लो, आपको लॉस का अपने आप याद हो जाएगा। आप सेलिंग प्राइस का प्रॉफिट में याद कर लो, लॉस का अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। देखिए हमने प्रॉफिट और लॉस का यह फार्मूला बताया था, हमने इसी चीज से इन दोनों को डिराइव करके यहाँ पे लिखा है। इतना फार्मूला हमारे पूरे प्रॉफिट और लॉस में है, इतना आपको बढ़ने से याद कर लेना है, ठीक। इतना अगर आप याद कर लेंगे तो आपको किसी क्वेश्चन में, ये मेरी गारंटी है कि आपको किसी क्वेश्चन में आपको मैं परेशानी होने नहीं दूंगा, ठीक है। देखिए इसको कैसे याद करेंगे, आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर आपसे कॉस्ट प्राइस पूछता है तो इसमें जो फार्मूला है उसमें कॉस्ट प्राइस नहीं रहेगा, उसमें क्या रहेगा, सेलिंग प्राइस रहेगा। और देखिए यहाँ से, और ये अगर सेलिंग प्राइस पूछता है तो फार्मूले में आपको सेलिंग प्राइस नहीं दिखेगा, सिर्फ कॉस्ट प्राइस दिखेगा। उसमें कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है लेकिन सेलिंग प्राइस से
इसमें सेलिंग प्राइस है, इसमें कॉस्ट प्राइस है। और देखिए सबसे पहले आप कौन से याद करेंगे, कॉस्ट प्राइस वाला याद करेंगे। क्यों देखिए, क्यों बताते हैं। सबसे पहले आप 100 इंटू सेलिंग प्राइस अपॉन 100 प्लस 3% इतना याद कर लेना, ठीक, इतना इसको याद कर लेना बस। अब देखिए सिर्फ प्रॉफिट वाला है, लॉस वाला अपने आप ही याद कर लेना, सिर्फ हमने प्लस की जगह माइनस में लगाया और प्रॉफिट की जगह हमने लॉस लगाया, ठीक। अब देखो एसपी आप कैसे याद करेंगे, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस है तो सबसे पहले आप सेलिंग प्राइस नहीं रहेगा, सिर्फ उसमें क्या रहेगा, कॉस्ट प्राइस। अब देखिए आपने जो सेलिंग प्राइस में याद किया था, जो यहाँ पे था, जो सेलिंग प्राइस के नीचे था उसके ऊपर आ जाएगा, ठीक। क्या क्या देखिए, सेलिंग प्राइस का आप याद करेंगे, सेलिंग प्राइस का फार्मूला अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप सबसे पहले सेलिंग प्राइस पूछ रहा हूँ तो उसमें इतना ध्यान रखना कि सेलिंग प्राइस तो ही नहीं सकता, अब क्या रहेगा, कॉस्ट प्राइस रहेगा, और कॉस्ट प्राइस का जो उल्टा है उसमें सेलिंग प्राइस में वो आगे आ जाएगा, 100 प्लस 3% में है अपॉन 100, बस ऐसे याद कर लेना है आपको बस, ठीक। आप इतना फार्मूला याद कर लीजिए, अब आपको हम क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, ठीक है। आप इतना फार्मूला लिख लीजिए, देखिए हमने आपको एक एक चीज बेसिक से बताया है। मान लीजिए कि अगर कोई बच्चा कमजोर है, ये मान लीजिए कि अगर आपको पता ही है सब, अगर कोई कमजोर होगा तो आपको उसे कैसे आएगा ये सब चीज, इसीलिए हमने आपको एक एक चीज सब कुछ एकदम बेसिक से बताया है, जिससे आपको कहीं भी किसी चीज में परेशानी ना हो, ताकि आप क्वेश्चन लगाते रहें कि बीच में आपको यह परेशानी नहीं जानी चाहिए कि ये कहाँ से आ गया, वो कहाँ से आ गया, ठीक है। तो चलिए अब हम आपको क्वेश्चन करवाने वाले हैं, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो अब तक हमने डिस्कस किया कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस के फार्मूले हमने आपको बताए, और प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज के हमने आपको फार्मूले डिस्कस किए, और उसको हमने अच्छी तरह से बताया कि वह कहां से आता है, ठीक। और हमने आपको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के फार्मूले भी उसी प्रॉफिट परसेंटेज से हमने निकाला, ठीक। तो चलिए अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और हमने आपको जो जो फार्मूले बताए हैं, जितना फार्मूले बताए हैं, हम आपको जितना भी क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे सब फार्मूले उसी में यूज होने वाले हैं, ठीक। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, देखिए क्वेश्चन वन क्या कह रहा है। मुंशी परचेस्ड ए बाइक फॉर 60,000 एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज 80,000, व्हाट इज द परसेंट प्रॉफिट ही मेड ऑन द बाइक। देखिए हिंदी में से समझते हैं, देखिए एक लड़का है मुंशी, वह एक बाइक खरीदा 60,000 में, क्या एक लड़का है उसने 60,000 रुपए में एक बाइक खरीदा, एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज 80,000 और उसे 80,000 रुपए में बेच दिया। मतलब कि एक लड़का है उसने 80,000 की 60,000 की एक बाइक खरीदा और उसे 80,000 में बेच दिया। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है, वह हमसे पूछ रहा है कि उसे इसने जो बाइक बेचा उसे कितना परसेंट प्रॉफिट, उसे कितना परसेंट का लाभ हुआ। देखिए जब कोई चीज परचेज की जाती है तो हम उसे कहते हैं क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस, क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना है हमारे पास, 60,000, एंड सोल्ड इट फॉर, और वह 80,000 में बेच दिया, और जो बेची जाती है उसे हम क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 80,000। अब हमसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द परसेंट प्रॉफिट ही मेड ऑन द बाइक, उसे कितना परसेंट लाभ हुआ। तो हमने आपको प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला आपको क्या बताया था, देखिए हमने आपको प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला बताया था, प्रॉफिट अपान किसके सापेक्ष में निकाला जाता था, हमने आपको बताया था कॉस्ट प्राइस की, हमेशा कॉस्ट प्राइस के, प्रॉफिट प्रॉफिट परसेंट हो चाहे लॉस परसेंट हो, हमेशा हम किसके उसमें बेस पे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस की, ठीक, इतना हमेशा ध्यान रखते रहना, कॉस्ट प्राइस इनटू 100। अब देखो यहाँ पे हमें कॉस्ट प्राइस पता है लेकिन हमें प्रॉफिट नहीं पता है ना, अभी कितना उसे लाभ हो रहा है, तो हम प्रॉफिट कैसे निकालेंगे यहाँ पे। तो हमने आपको प्रॉफिट का भी फार्मूला बताया था, देखो यहाँ पे उसे प्रॉफिट ही हो रहा है ना, लॉस तो नहीं हो रहा है, क्योंकि देखो 60,000 में खरीद रहा है तो 80,000 बेच दे रहा है तो उसे प्रॉफिट ही होगा। तो हमने आपको फार्मूला बताया था, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक, क्योंकि जो बड़ा है उसी से घटाया जाता है, तो यहाँ पे 80,000 बड़ा है इसीलिए हम इसी से घटा रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे है 80,000 माइनस 20,000 60,000 यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 20,000,
ठीक। अब देखो हमारे पास क्या आ गया, हमने प्रॉफिट, उसे कितना प्रॉफिट हो रहा है 20,000 का। देखो उसे कितना प्रॉफिट हो रहा है 20,000 का। अब देखो जो उसने बाइक को 60,000 में खरीदा था, 80,000 में बेचा था, उससे 20,000 रुपए का लाभ हुआ था। लेकिन हमसे परसेंट प्रॉफिट पूछा था, तो हमने यहाँ पे परसेंट प्रॉफिट का फार्मूला लिखा है। ठीक, अब देखो हम इसको सिंपली उसी में रख देंगे ले जाके। प्रॉफिट हमारे पास कितना आया है 20,000। तो देखो प्रॉफिट हमारे पास आया है 20,000 और कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारे पास 60,000। 60,000 गुणे 100, बस यही करना है हमें। इसको आप कर लोगे, देखो 0000000000 2×2=6, 100/3, 3×9=9, 3×9=9, 3×9=9। हमें प्रॉफिट परसेंट 33.3। अब देखो हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा था, उसे कितना परसेंट का लाभ हुआ उस बाइक में, उसे 33.3% का लाभ हुआ उस बाइक में। ठीक, कोई दिक्कत है? एकदम इजी है। आप फार्मूले से, हमने जो जो आपको फार्मूला बताया था, बस आपको कुछ नहीं करना है, हम आपको इतने क्वेश्चन सॉल्व करवा देंगे ना कि आपको फार्मूला एकदम रट उठेगा। बाकी ये सब तो फार्मूला कुछ रटने की ही जरूरत नहीं है, हमने आपको जिस तरह से बताया हूं ना उस तरह से अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे एक बार फिर से ना, तो आपको कुछ कहीं भी परेशानी होने वाली नहीं है। ठीक, लिख लो इसको। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। सीपी इज 2516 एंड एसपी इज 2272, फाइंड द लॉस परसेंटेज। देखो क्या कह रहा है, यदि कॉस्ट प्राइस है 2516 रुपए और सेलिंग प्राइस है 2272 रुपए, तो इसका लॉस परसेंटेज बताना है। देखिए हम आपको इतना इजी क्वेश्चन अभी इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि हमने अभी आपको तुरंत फार्मूला बताया हूं सब चीज का, और हमने आपको सीपी एसपी ये सब जिसमें आपको कोई परेशानी न हो आगे। ठीक है, तो हमने आपको जो अभी फार्मूला बताया है हम उसी से बेस आपको सिंपल अभी क्वेश्चन करवा रहे हैं, जिससे आपको बड़े क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत ना आए। क्योंकि देखो जो बड़े क्वेश्चन हैं उसमें तो आपको फार्मूले लगेंगे ही, प्लस आपको कॉन्सेप्ट भी देखना है, तो हम छोटे छोटे क्वेश्चन इसलिए करवा दे रहे हैं पहले कि आपको कोई भी बड़े क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना हो सब करने में। ठीक, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितना है 2516 रुपए और सेलिंग प्राइस है 2272 रुपए। अब देखो हमसे क्या पूछा है, लॉस परसेंटेज का फार्मूला हमने आपको बताया था क्या होता है। लॉस किसके उसमें निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस के, हमेशा इसको ध्यान रखना, किसके बेस पे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस के इनटू 100। अब देखो हमारे, हमें यहाँ कॉस्ट प्राइस पता है लेकिन हमें कितना लॉस हो रहा है अभी हमको उतना नहीं पता है, सिर्फ हमें कितना दिया है, इतने में खरीद रहा है, इतने में बेच रहा है। ठीक, अब देखो अब आप अपने दिमाग से बताइए कि कोई बंदा है अगर वो 2516 रुपए में कोई चीज को खरीद रहा है और 2272 रुपए में बेच रहा है, तो उसे लाभ होगा या घाटा होगा, आप बताओ। उसे घाटा होगा ना, क्योंकि वो खरीद रहा है ज्यादा में, बेच रहा है कम में। ठीक, तो देखो यहाँ पे उसका घाटा ही होगा। देखो लॉस इज इक्वल टू, हमने आपको क्या फार्मूला बताया था, देखो भैया हमने आपको प्रॉफिट में फार्मूला बताया था सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और लॉस में हमको आपको बताया था कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक, देखो बड़े में इससे छोटा घटता है, इतना आपको पता है ना, तो यहाँ पे बड़ा क्या है, यही है ना, छोटा ये है, इसीलिए हम देखो कॉस्ट प्राइस कितना है 2516 रुपए, सेलिंग प्राइस कितना है 2272 रुपए, बस आप घटा दीजिए इसको, कर देंगे 6 में से 2 गए 4, 11 में से 7 गए 7 4 4, 4 में से 2 गए 2, 244। अब हमारे पास लॉस कितना आ गया 244। ठीक, लॉस आ गया हमारे पास 244 बटा कॉस्ट प्राइस कितनी है 2516 गुणे 100, बस आप अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको 2 से हम काट देंगे, 2 1 2 2 2 4 2 5 10 2 8 16
दो एक के दो, दो दूने चार, दो दूने चार, इसको फिर दो से काट देंगे, दो छंग बारह, दो दूने चार, दो नौ अठारह, छह सौ उनतीस, फिर दो से काट देंगे, दो छंग बारह, दो एक के दो, हो गया हमारे पास इकसठ सौ बटा छह सौ उनतीस, छह सौ उनतीस भाग इकसठ सौ। आप करेंगे इसको, आप काटेंगे तो आपके पास आ जाएगा 9.69%, ठीक इतना आ जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, हमने आपको डायरेक्ट बता दिए इतना आएगा, ठीक। अब देखो उसे कितना परसेंट का लाभ हुआ, 9.69% का लॉस हुआ उसे, कितना घाटा हुआ। देखो भैया जब आप कोई चीज खरीदोगे जितने में, अगर आप उसे सस्ते दाम में बेच दोगे तो आपको घाटा ही होगा ना, वही चीज यहाँ पे पूछ रहा है उसे कितना परसेंट का लाभ हुआ, लॉस हुआ। तो यहाँ पे हमने निकाला कितना परसेंट का लॉस हुआ, 9.69% का उसे लॉस हुआ, ठीक। क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री की ओर, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की ओर, देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कह रहा है। ए गोल्ड ब्रासलेट इज सोल्ड फॉर रुपीज 14,500 एट ए लॉस ऑफ 20%, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द गोल्ड ब्रासलेट। देखो भैया ये थोड़ा अलग तरह से क्वेश्चन है, अब हमने आपको जो पीछे कॉन्सेप्ट बताया है अगर आप उसको अच्छी तरह से समझे होंगे तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से कर लेंगे, और क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। देखो क्या कह रहा है, ए गोल्ड ब्रासलेट इज सोल्ड फॉर, सोल्ड मतलब क्या होता है बेचना, इतना जानते होंगे, सेल सोल्ड सोल्ड, ठीक। अब देखो एक गोल्ड ब्रासलेट इज सोल्ड फॉर रुपीज 14,500, एक गोल्ड एक सोने का ब्रासलेट है उसे 14,500 रुपए में बेच दिया गया एट ए लॉस ऑफ 20%, 20% के घाटे पे, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द गोल्ड ब्रासलेट, उस गोल्ड ब्रासलेट की कॉस्ट प्राइस क्या रही होगी, मतलब जो कितने में खरीदा होगा। देखो भैया यहां से इस क्वेश्चन से आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि देखो जब वह लॉस में बेच रहा है तो समझ लो कि वह खरीदा ज्यादा का है और बेचा कम का है, इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा ना, तभी तो उसे घाटा हो रहा होगा। देखो भैया जैसे कि हमने 4 रुपए की पेन खरीदी और 2 रुपए में बेच दिया तो हमें तभी तो घाटा हो रहा है। तो यहाँ पे वही पूछा है कि इसे इतना घाटा हो रहा है, तो इतना आपको ध्यान रखना है कि जो कॉस्ट प्राइस आएगा वो इससे ज्यादा आएगा, ठीक, तभी उसे घाटा हो रहा है। चलिए सॉल्व करके देखते हैं, देखिए हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, सेलिंग प्राइस, मतलब कि जितने पे वो बेचा है, सेलिंग प्राइस कितना है 14,500 रुपए, और देखो 20% के लॉस पे बेचा है, लॉस परसेंट कितना है उसका 20%। अब देखो कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस हमें पता ही नहीं है, तो हमने आपको फार्मूला नहीं बताया है, बताया तो है फार्मूला ना, तो आप रखिए सीधे कॉस्ट प्राइस का फार्मूला, हमने आपको क्या बताया है, बहुत ही चीज फार्मूला बताया है, 100 into सेलिंग प्राइस अपॉन 100। अब देखो यहाँ पे प्लस नहीं होगा, यहाँ पे माइनस होगा, क्यों, अगर प्रॉफिट होता तो यहाँ पे प्लस होता, लेकिन यहाँ पे हमसे लॉस पूछ रहा है, और यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं, सेलिंग प्राइस लॉस में निकाल रहे हैं ना कि प्रॉफिट में निकाल रहे हैं, ठीक, इसीलिए हम 100 माइनस सीएल लिखेंगे। अगर यहाँ पे हमें प्रॉफिट में पूछता तो यहाँ पे हम 100 प्लस पी लिखते, ठीक, यहाँ पे परसेंट रहेगा 100 माइनस लॉस परसेंट, ठीक। अब देखो हमसे कॉस्ट प्राइस पूछा है तो हम फार्मूला रख देंगे 100, हमारे पास सेलिंग प्राइस कितनी है 14,500। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको फार्मूला याद करना है कॉस्ट प्राइस का और सेलिंग प्राइस का, बस प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंट का हमने आपको इतनी तरह से अच्छी तरह से डिफाइन किया, तो उसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आप दो फार्मूला याद कीजिए और प्रॉफिट एंड लॉस के पूरे क्वेश्चन लगाइए, ठीक, और कुछ नहीं करना है आपको। 100 माइनस लॉस कितना हो रहा है उसे 20% का, लॉस परसेंट कितना है 20%, ये लॉस ही परसेंट है, लॉस नहीं है, तो यहाँ पे लॉस परसेंट है, हमने आपको फार्मूला डिराइव किया था उसमें देख लेना अच्छे से, लॉस परसेंट कितना है 20 बस। अब देखो 100 × 14,500 अपान 80 आ गया। अब देखो इसे आप सॉल्व कीजिए, 0 से 0 कट गया, 4 × 8 4 से 25, 2 से इसको काटेंगे, 2 × 7 = 14, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, 725 × 25 कीजिए, 725 × 25 5 × 5 = 10 = 12, 5 × 7 = 35 × 2 = 10, 2 × 4 = 5, 2 × 7 = 14,
पांच दो आठ पांच तेरह चार तीन सात एक आठ एक 18,325 18,325। ठीक, अब देखो उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी रही होगी, 18,325 रुपए। हमने आपको शुरू में क्या बताया था कि वह खरीदा ज्यादा का होगा बेचा कम का है, तभी उसे लॉस हो रहा है इतना। अब देखो यहाँ से उसने 18,325 खरीदा है और 14,500 में बेच दिया, तभी उसे 20% का घाटा हुआ। ठीक, अब देखो अगर हम आपसे पूछे कि उसे कितना घाटा हुआ, कितने रुपए का घाटा हुआ, तो आप निकाल लेंगे आसानी से ना, निकाल लेंगे ना। अब निकाल नहीं पाएंगे, लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी कर देंगे, जितने रुपए का घाटा हुआ है यहां से निकल जाएगा। ठीक, समझ में आया क्वेश्चन। आप सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़िए क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक्चुअली आप अगर समझ जाएंगे कि क्वेश्चन यह कह रहा है ना, तो आप कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है आप सॉल्व ना कर पाए। ठीक ठीक है, इसे सॉल्व कर लो। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर क्या कह रहा है। द ओनर ऑफ ए सेल फोन चार्ज हिज कस्टमर 23% मोर देन द कॉस्ट प्राइस इफ ए कस्टमर पेड रुपीज 7011 फॉर ए सेल फोन, देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द सेल फोन। देखिए आप क्वेश्चन देख के घबराइए मत, सबसे पहले आप इसका हिंदी में मतलब निकालिए क्या क्वेश्चन कह रहा है। एक्चुअली जब आप उसका मतलब समझ जाएंगे ना, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, देखिए आप सबसे पहले इसका मतलब समझिए। ये नहीं कि यहाँ पे 23% इसे प्रॉफिट हो रहा है, ज्यादा ले रहा है तो हम सीधे प्रॉफिट लिख देंगे, एक कस्टमर पर ये जितना पूछ रहा है हम इसको लिख देंगे दाम। ये नहीं, आप सीधे मत लिखिए, आप रटाऊंगा काम मत कीजिए, आप कॉन्सेप्ट समझिए क्या कह रहा है, उसके बाद सॉल्व कीजिए। ठीक, अगर आप इस तरह से सॉल्व करेंगे तो आपको सिर्फ यही क्वेश्चन आएगा, इसके अलावा अगर दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा तो आप उसको नहीं कर पाएंगे। ठीक, देखो क्या कह रहा है। द ओनर ऑफ सेल फोन चार्ज हिज कस्टमर 23% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। अब देखो मान लीजिए कि एक फोन है, ये देखो ये फोन है, ये और जो इसका मालिक है, जो इसका बॉस है, वह अपने कस्टमर से, जो इसका कस्टमर है वो, जो इसकी मोबाइल मोबाइल का दाम है, मान लीजिए मोबाइल का दाम कुछ भी रहा होगा, वह जो अपने ग्राहक से है ना, वह 23% ज्यादा ले रहा है, जितना मोबाइल का दाम है ना उससे भी ज्यादा 23% ज्यादा ले रहा है। जैसे कि इस मोबाइल का दाम एक्स रुपए रहा होगा, कुछ भी रहा होगा, वो एक्स रुपए जितना रहा मोबाइल का दाम है ना, वह अपने ग्राहक से 23% ज्यादा ले रहा है उस मोबाइल के पीछे। ठीक, यही यहाँ पे कह रहा है कि जो मालिक है सेल फोन का, चार्ज इस कस्टमर, अपने कस्टमर से चार्ज कर रहा है 23% ज्यादा उस मोबाइल की कॉस्ट प्राइस से। ठीक, इफ ए कस्टमर पेड रुपीज 7011, यदि जो ग्राहक है वह 7,011 रुपए दे रहा है सेल फोन के लिए, देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द सेल फोन। ठीक, तब उस सेल फोन की कॉस्ट प्राइस क्या रही होगी, यानी कि अंकित मूल्य उसका क्या रहा होगा जितने में वह ऑनर यानी कि मालिक खरीदा होगा। अब यहाँ से आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि देखो भैया, जब वह 23% ज्यादा ले रहा है दाम से, और जो कस्टमर है मतलब कि इस मोबाइल के लिए कितना दिया था 7,011 रुपए, लेकिन इस ग्राहक को एक्चुअल दाम नहीं पता है कितना रुपए था एक्चुअल दाम, वह जो बॉस है दुकान का वह 23% ज्यादा ले रहा है, 23% ज्यादा लिया तो 7,011 रुपए वह अदा किया कस्टमर। अब देखो जब वह 7,011 रुपए दे रहा है तो देखो जो कॉस्ट प्राइस इसकी रही होगी उसकी इससे कम ही आएगी, कॉस्ट प्राइस जो भी आएगी इससे कम ही आएगी। क्यों क्यों कम आएगी, क्योंकि वह उस मोबाइल के पीछे 23% ज्यादा ले रहा है कस्टमर से। देखिए सॉल्व कीजिए, देखिए यहां से 23% मोर देन, ये क्या है प्रॉफिट है मेरा, क्योंकि देखो वह ज्यादा ले रहा है, ज्यादा लेगा तो प्रॉफिट ही होगा। ठीक, प्रॉफिट कितना है 23% है, और देखो इफ ए कस्टमर पेड रुपीज 7,011, अब ये क्या है आप बताओ, क्या है कॉस्ट प्राइस है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस है, क्योंकि वो जो मालिक था 7,011 रुपए में उस कस्टमर को यह मोबाइल दिया था, बेचा था, मतलब सेलिंग प्राइस है। आप सिर्फ मतलब समझिए मतलब क्या कह रहा है। ठीक, 7,011 रुपए, अब हमसे कॉस्ट प्राइस पूछा है बस, अब आपको कुछ करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ फार्मूला रखो आ जाएगा आंसर। करिए देखिए, कॉस्ट प्राइस का हमने आपको फार्मूला क्या बताया था, 100 सेलिंग प्राइस अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज।
अब देखो पिछले वाले क्वेश्चन हमने 100 माइनस लॉस परसेंट पूछा था, क्योंकि उसमें लॉस पूछा था, यहाँ पे उसे प्रॉफिट हो रहा है कस्टमर को। ठीक, अब देखो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 गुणे सेलिंग प्राइस कितना है उसका 7,011 रुपए, 7 × 7,011 बटा सौधन पी 123। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, ये देखिए कितना आएगा, 3 × 4 = 12, 3 × 3 = 9, 3 × 9 ये नहीं गलत है, 3 × 2 = 6, 6 × 3 = 9, 3 × 9 = 21। इतना आ गया हमारे पास, यहाँ पे 3 × 4 = 12 होगा। अब देखो 41/23 57 करेंगे सीधे, 41/23 37 है ना, 41 5 से ले जाएंगे, 5 × 5 = 20, 13 × 5 = 8, 2 = 7, 7 × 7 = 57 से कट जाएगा 57 से। कॉस्ट प्राइस अब देखो भैया, उस सेलफोन की कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 5700 रुपए। ठीक, कितना थी, 5700 रुपए। आपको पूरा क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ही समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ पे हमसे क्या पूछा था, द ओनर ऑफ सेल फोन चार्ज 23% मोर देन द कॉस्ट प्राइस, मतलब कि मोबाइल के जितनी दाम की थी वह उससे 23% ज्यादा ले रहा था कस्टमर से, और उसने 7,011 रुपए में बेच दिया था कस्टमर को, और हमसे कॉस्ट प्राइस पूछा था, कॉस्ट प्राइस नहीं पता थी, हमें पता लगे। अब देखो अब हम इस पैसे बताएंगे, जो सेल फोन था ना वह 5700 रुपए का था, 5700 पीछे 23% उसने लिया था और 7,011 रुपए में बेच दिया था। ठीक, बस यही क्वेश्चन है, समझिए आ गया समझ में, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है आप लोगों को। ठीक है, देखिए आज हम आपको छोटे छोटे लेवल के क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है, जिससे आपको बेसिक से कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, हो गया। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कि हम आपको ना हर टाइप के क्वेश्चन कराएंगे, एक भी टाइप के क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में आपको जितने भी टाइप के क्वेश्चन होंगे हम आपको हर टाइप के क्वेश्चन बताएंगे, और आप अपनी बुक जो भी आपके पास बुक होगी आप उसे सॉल्व कीजिएगा, और जो आपको नहीं आएगा आप कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा, हम सीधे आपका आंसर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, सबसे पहले आप इसका मतलब समझिए क्या कह रहा है। ठीक है, इफ सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 8.5 इज 8/5 times इट्स कॉस्ट प्राइस, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज ऑन इट विल बी। देखिए सेलिंग प्राइस, ये अब देखिए सेलिंग प्राइस यानी कि जिस दाम पे बेचा जाता है, ध्यान समझिए इसको क्या कह रहा है, ध्यान समझिए तभी आएगा। देखिए एक आर्टिकल है, मतलब कि एक आर्टिकल है वह जो है ना अपने जो उसका दाम होगा ना उसका 8/5 times उसके दाम से 8/5 गुना उसको बेचा जा रहा है, तो हमसे पूछा है व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज ऑन इट विल बी। हमसे क्या पूछा है, प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंट हमसे पूछा है, तो उसे कितना परसेंट का लॉस होगा उसके पीछे जो 8/5 गुना बेचा जा रहा है उसके दाम से। ठीक, देखिए हमसे प्रॉफिट परसेंट पूछा है ना, देखिए प्रॉफिट परसेंट का क्या फार्मूला होता है, देखिए जो पूछा जा रहा है हम पहले उसका जो जो हमें पता है उसका हम लिख लेंगे, हमसे प्रॉफिट परसेंट पूछा है तो प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, यही होता है ना फार्मूला। अब देखो ध्यान से देखिएगा, हमें यहाँ पे ना तो कॉस्ट प्राइस पता है ना तो हमें प्रॉफिट पता है, ऐसी हालत में आप क्या करोगे, अगर आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाए तो आप क्या करोगे। देखिए आपको घबराना नहीं है, हमने आपको क्या बताया, पहले आप उसका मतलब समझिए क्या कह रहा है, हमें कुछ तो पता है इसमें, जो पता है पहले उसको लिख लेते हैं हम, हमें क्या पता है, सेलिंग प्राइस पता है ना, सेलिंग प्राइस क्या है हमारे पास, 8/5 times ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, 8/5 times ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस ऐसे ही लिखा जाएगा ना, जो आर्टिकल है वह 8/5 times उसके कॉस्ट प्राइस के बेचा जाता है, जब इस तरह से पूछा जाता तो हम इसी तरह से लिखते हैं। ठीक, इतना समझ लीजिएगा, आप इसको लिखने का तरीका जान लीजिए, अगर आपसे कुछ भी टाइम्स करके उसके आगे जो पूछता है, अगर 2 times पूछता है हमारे पास तो इनटू हम 2 लिखते हैं। ठीक, यहाँ पे हमसे टाइम्स उसके कॉस्ट प्राइस के पूछा है तो हम इसीलिए कॉस्ट प्राइस लिखे हैं। ठीक, हमारे पास एसपी हमें इतना पता है। ठीक, अब देखो एसपी तो हमें इतना पता है लेकिन ना तो हमें कॉस्ट प्राइस पता है ना तो प्रॉफिट पता है,
अब क्वेश्चन में भी नहीं पता है तो हम क्या करेंगे? देखिए अब यहाँ पे हमें कुछ नहीं पता, ना तो हमें प्रॉफिट पता हो ना तो हमें कॉस्ट प्राइस पता हो, हमें क्या निकालना है? प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो हम सिंपली कुछ नहीं करेंगे, हम कॉस्ट प्राइस को मान लेते हैं यक्स, क्योंकि भाई ये कुछ तो मानना ही पड़ेगा तभी तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, देखो सेलिंग प्राइस बराबर 8x बटा 5 हो गया ना। अब देखो हमारे पास क्या है, कॉस्ट प्राइस x है और सेलिंग प्राइस कितना है 8x बटा 5। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब देखो हमसे क्या पूछे, प्रॉफिट परसेंट पूछे है ना, तो अब हम प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं आसानी से, प्रॉफिट निकाल सकते हैं ना, एसपी माइनस सीपी। ठीक, प्रॉफिट भी निकाल लीजिए, एसपी माइनस सीपी 8x बटा 5 माइनस एक्स, 8x माइनस 5x बटा 5, 3x बटा 5। अब देखो हमारे पास प्रॉफिट आ गया, हम सिंपली इसी में रख देंगे, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू 3x बटा 5, 3x बटा 5 बटा कितना है हमारे पास कॉस्ट प्राइस x है ना, x इंटू 100 इंटू 100। बस आप इसको आप सॉल्व कीजिए, 3x अपॉन 5 नीचे चला आएगा, 5x इंटू 100, x से x कट गया, 5 से 5 दूनी 10 0, 3 दूनी 6 60। अब देखो बढ़िया से आप क्वेश्चन समझो, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट, हमसे कितना पूछा था, हमसे कितना उसने हमसे क्या पूछा था, उसे कितना परसेंट का लाभ हुआ है, तो उसे 60% का लाभ हुआ है। कैसे आया, देखिए हमने आप बढ़िया से क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेलिंग प्राइस यानी कि जो बेच रहा है सेलिंग प्राइस, वह 8/5 टाइम्स है कॉस्ट प्राइस के, 8/5 टाइम्स है कॉस्ट प्राइस के। व्हाट इज द, हमें ना तो सीपी पता था ना प्रॉफिट पता था, इसीलिए हमने सीपी को एक्स मान लिया। ठीक ठीक, अगर नहीं मानते तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होता। मैथ में यही होता है कि अगर नहीं पता रहता तो हम उसको क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कुछ ना कुछ जरूर। ठीक है, यहाँ पे आप ये भी मान सकते थे, बी भी मान सकते थे, चाहे जो मान सकते थे। ठीक, यहाँ पे हमने सीपी को एक्स मान लिया, फिर हमने यहाँ पे पुट कर लिए सीपी को, 8x/5 हो गया। फिर देखिए हमारे पास एसपी भी आ गया, सेलिंग प्राइस भी आ गया, कॉस्ट प्राइस भी आ गया। अब हम यहाँ से प्रॉफिट भी निकाल सकते थे, प्रॉफिट हमने यहाँ पे निकाला, आया हमारे पास 3x/5, सिर्फ हमने यहाँ पे ले जाके प्रॉफिट को रख दिया, हमने इसको सॉल्व किया, 60% हमारे पास आंसर आ गया। ठीक, कुछ भी करना नहीं था, अगर आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो आप चाहे जितना भी हार्ड क्वेश्चन हो आप उसको इजी से इजी तरीके से बहुत ही आसान तरीके से कर लेंगे, और अगर आप ट्रिक से सॉल्व करेंगे तो आपको इस तरह के क्वेश्चन, हर तरह के क्वेश्चन एक तरीके से नहीं होते। ठीक है, इसीलिए हम आपको कॉन्सेप्ट सही बता रहे हैं, जिससे आपको विद फार्मूला, और फार्मूला भी हमने कोई आपको अलग तरीके से नहीं बताया, जो आप पिछले कक्षा में पढ़ के आ चुके हैं वही हमने आपको फार्मूला भी बताया एकदम इजी तरीके से। ठीक ठीक है, तो सॉल्व कर लीजिए। अब चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 100 ए मैन गेन्स 50 रुपीज, देन फाइंड हिज गेन परसेंटेज। आप इसको अपने आप से सॉल्व कीजिए। सबसे पहले आप देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, जो 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 आपको पता है पहले आप उसको लिख लीजिए और उसके बाद सॉल्व कीजिए। ठीक, सॉल्व कीजिए जल्दी इसको। देखिए सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं, बाय सेलिंग एन आर्टिकल, एक आर्टिकल है जो बेचा जा रहा है 100 रुपए में, और जो आदमी बेच रहा है उससे गेन, उसे 15 रुपए का लाभ हो रहा है। मतलब कि एक आर्टिकल है, एक आदमी बेच रहा है 100 रुपए में और उसे उस आर्टिकल के पीछे 15 रुपए का लाभ हो रहा है। ठीक, और उसने पूछा है हमसे उसे कितना परसेंट का लाभ हो रहा है। ठीक है, देखो हमने आपको कुछ यहाँ पे अलग लिख दिया है क्या, देखिए यहाँ पे जो गेन्स है यहाँ पे आप प्रॉफिट भी लिख सकते थे। ठीक है, प्रॉफिट यहाँ पे भी आप प्रॉफिट लिख सकते थे। ठीक, प्रॉफिट और प्रॉफिट मतलब लाभ होता है, गेन मतलब भी लाभ होता है। देखिए हम यहाँ पे इसलिए इसको लिख दिए हैं क्योंकि देखिए अगर आप प्रॉफिट ही पढ़े रहेंगे और अगर आपको गेन्स क्वेश्चन में गेन दे दिया, जो समझदार है तो कर लेंगे, लेकिन जी कुछ लोग होते हैं कहते हैं यहाँ पे तो गेन दे दिया, यहाँ पे तो गेन पढ़ाया ही नहीं गया था। तो देखिए प्रॉफिट और गेन एक ही होता है। ठीक, अब देखिए हमारे पास वह आर्टिकल कितने में बेचा जा रहा है, सेलिंग प्राइस उसकी कितनी है, 100 रुपए है, 100 रुपए है, और ए मैन गेन्स उसे कितना प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, 15 रुपए का। अब देखो हमसे क्या पूछा है, प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, तो प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है, तो लीजिए लिखिए प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस
इंटू 100 है ना, इजी, एकदम इजी तरीके से हम आपको बताऊंगा और बहुत मजा भी आ रहा होगा आपको, मुझे पता है, क्योंकि हम आपको एकदम इजी वे से बता रहे हैं। अब देखिए हमारे पास प्रॉफिट पता है ना, 15 रुपए है, लेकिन यहाँ पे हमें सीपी नहीं पता है, यहाँ पे हमें एसपी पता है। तो हम सीपी कैसे पता लगाएंगे? अब हम सीपी कैसे पता लगाएंगे? क्या हम ये वाला फार्मूला लिखेंगे, एसपी गुणे 100 अपान 100 प्लस पी परसेंट। क्या हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे? नहीं, ये वाला फार्मूला हम नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि हमें क्या क्या पता है, यहाँ पे एसपी पता है और प्रॉफिट पता है। इस फार्मूले में क्या है, प्रॉफिट परसेंट है। तो जब ये यहाँ से सीपी निकालेंगे ना, तब भी नहीं हमसे निकलेगा। हम यहाँ पे सिंपल वाला फार्मूला लगाएंगे। कौन सा फार्मूला लगाएंगे? देखिए हमने आपको क्या बताया था, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब देखिए यहाँ पे हमें सेलिंग प्राइस पता है और प्रॉफिट पता है, हमसे कॉस्ट प्राइस नहीं पूछा है। तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। हम यहाँ पे ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, ना कि ये वाला। गलती से भी ये वाला फार्मूला यूज मत करना। क्यों नहीं यूज करना? क्योंकि हमसे यहाँ पे सिर्फ हमें सीपी निकालना है, और सीपी हम यहाँ से आसान तरीके से निकाल सकते हैं। और यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट परसेंट दिया गया है, और प्रॉफिट परसेंट इसमें दिया नहीं है। ठीक, अब आपको समझ में आ गया? नहीं तो कुछ लोगों की कंफ्यूजन रहती है, कहते हैं कि उसमें सीपी फार्मूला लगा सकते थे, क्यों यही वाला लगाए, कहीं पे लगा देते हो कहीं पे वाला। तो हम आपको रीजन बता दे रहे हैं क्यों यहाँ पे हम ये वाला फार्मूला नहीं लगाए। ठीक, समझ में आ गया? ठीक है, अब देखो चलिए इसमें ड्रग की मान क्या क्या है। सीपी इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस कितना है, 100 रुपए, और प्रॉफिट कितना है, 15 रुपए। कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 में से 15 गए 85 आ जाएगा। अब देखो कॉस्ट प्राइस हमें पता चल गया, प्रॉफिट भी हमें पता है। सिंपली हम मान रख देंगे प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट 15 बटा 85 गुणे 100। अब देखो 15 5 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
बराबर 100/17। आप इसको डिवाइड कर लीजिएगा, जो भी आएगा आपको उतना परसेंट का लाभ हो रहा है। ठीक, समझ में आ गया? ठीक है, सॉल्व कर लीजिए इसको। कोई प्रॉब्लम हो रही है आपको इस सब क्वेश्चन में? नहीं हो रही होगी ना। और अगर आप ट्रिक से इसको सॉल्व कीजिएगा, देखिए हमने आपको शुरू में ही बता दिया था, अगर ट्रिक से सॉल्व करने लायक क्वेश्चन रहेंगे तो हम क्यों नहीं सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर जो क्वेश्चन ये फार्मूले से सॉल्व हो जा रहे हैं तो सिर्फ फार्मूले से ही ज्यादा ठीक है, क्योंकि हमें दो ही फार्मूला याद करना है और बाकी हमें कॉन्सेप्ट समझना है बस। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए इसको जल्दी से।